नमस्कार दोस्तों, मैं सुब्रत आज आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ मूवीज में। आज आप लोगों को लेकर आया मैं एक जबरदस्त शानदार धमाकेदार वीडियो, और जिसमें आपको बताने वाला हूँ जो आप ना मोबाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, मतलब मोबाइल को सेव नहीं करना है, आपको जितना सारा फाइल है उसको कैसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई दुश्मन होगा, अगर उसका हाथ में एक बार आपका फोन लग गया तो आपका हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। इस नुकसान से आपको रुकने के लिए आपको मैं दो टिप्स बताने वाला हूँ, और जिसमें आप किसी का नुकसान कर सकते हैं और किसी का नुकसान हाथ से बांध सकते हैं। तो इस सारी चीज़ जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अगर वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस तरह से करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन का ऊपर और देख लेते हैं वो टिक्स क्या हैं, है कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जोर से लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना ऐसे टिक्स पाने के लिए। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन का ऊपर और देख लेते हैं वो क्या है। तो आ गया मैं मोबाइल स्क्रीन को पर और देख लेता हूँ टिक्स क्या है। क्योंकि आप लोग क्या करते होंगे, आपका जितना सारा प्राइवेट चीज़ है आप उसको लॉक करके रखते हैं, है कि नहीं। लेकिन आप लॉक करके बाद भी अगर किसी आपका पास चला जाए फोन, तो वो क्या कर सकते हैं, आपका मोबाइल का डाटा यूज़ कर सकते हैं, जितना सारा इंपॉर्टेंट फाइल है उसको वो यूज़ करके उसके पास ले सकते हैं। लेकिन कैसे, आप बोलते हो तो मैं लॉक करके रखा हूँ, लेकिन नहीं, आपका जो पास जो खतरनाक चीज़ है जो क्रोम ब्राउज़र है, उस क्रोम ब्राउज़र से वो सारी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ जो क्रोम ब्राउज़र से कैसे आपका डाटा को कोई एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चला जाता है मैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र में आता हूँ तो पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। वो डेस्कटॉप साइड कर लिया हूँ और आपको सर्च करना है फाइल बोल के आ गया। जैसे मैं सर्च करता हूँ, देखता है बूम, आपका जितना सारा डाटा था तो इस जगह में आ चुका है। तो आप इस जगह से किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं चला जाता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर और ढूंढ लेते हैं जो व्हाट्सएप का है। चलिए आ गया व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप में आने के बाद देख सकते हैं मैं कोई भी फाइल में चला जाता हूँ मीडिया में। और मीडिया में जैसे जाता हूँ तो आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इस फोटो को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। हो सकता है आपको इस जगह में कुछ इंपॉर्टेंट फोटो हो, तो कोई भी आपको कुछ भी चीज़ को इस जगह एक्सेस कर सकता है। तो है ना कमाल का टिक्स। तो आप किसी का लक्षण कर सकते हैं, लेकिन आपका भी कोई लक्षण कर सकता है। अगर आपका कोई दुश्मन का हाथ में आपका अगर फोन लग गया तो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरा टिक्स अभी भी बाकी है भाई, आपको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो आपको अभी क्या करना है, जो क्रोम ब्राउज़र को कैसे हम लोग लॉक करें, क्रोम ब्राउज़र को कैसे हम लोग सेफ्टी करें। तो क्रोम ब्राउज़र को लॉक करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपको क्या करना है, आपका सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपको ऐप्स वाले का ऑप्शन रहेगा तो ऐप्स में जाना है। ऐप्स में आने के बाद आपको ऐप लॉक रहेगा तो ऐप लॉक में जाना है। और जैसे ऐप लॉक में आएगा तो आने के बाद इस टाइम हर चीज़ आपको ऐप दिखाई देगा। तो ये सिस्टम ऐप्स होता है, चलिए ढूंढ लेते हैं जो कहा है। चलिए तो इस जगह में क्रोम दिखाई दे रहा है, जो क्रोम अभी, तो क्रोम को इस जगह में क्या करना है, इसको इनेबल कर देना। जैसे आप इनेबल कर देंगे तो क्रोम को कोई एक्सेस नहीं कर सकता जब से वो लॉक है। तो चलिए हम चला जाते हैं क्रोम के ऊपर। और जब भी मैं क्रोम में आया हूँ तो देख सकते हैं तो लॉक था, लेकिन मैं तो क्रोम में आने के बाद देख सकते हैं जो क्रोम लॉक है, तो है कि नहीं। जब मैं इसको फिंगरप्रिंट देता हूँ तो एक्सेस हो जाता है। तो है ना कमाल का टिक्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।